नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज निफ्टी और सेंसेक्स ने लगाया नया रिकॉर्ड हाई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हो गई पिटाई। हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 30-35 पॉइंट तेजी खुलेंगे, हम उससे ज्यादा तेज खुल गए। 23,038 के लेवल पे 23,043 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद 5 मिनट भी नहीं टिक पाए, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई और 22,932 के लेवल तक आ गए थे। फिर धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया और लग गए नए रिकॉर्ड लेवल्स, जहां पर 23,110 ये आज का हाई है। ये अब तक का ऐतिहासिक लेवल है निफ्टी का। लेकिन ये जो दोपहर की मार्केट थी, इसमें अचानक से बिकवाली, और बहुत समय बाद हमने देखा कि इतनी जबरदस्त बिकवाली थी। मिड कैप्स टूटते चले जा रहे थे और ट्रेडर्स हो गए कॉशियस, और आज के दिन का लो लगा है 22,871, क्लोजिंग आई है 22,932 के लेवल पे। आपको क्लोज टू क्लोज 24 पॉइंट्स निफ्टी हल्का होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ले जाकर पटका है, मुद्दा ये है। और आज हायर लेवल से तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है मार्केट ने। निफ्टी बैंक 310 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ है 49,281 के लेवल पे, लेकिन इंट्राडे में 600 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स 19 पॉइंट्स गवाकर 75,390 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर ले जाकर पटका, तो उसमें आज के लेवल्स देखिए, हाई लेवल्स और क्लोजिंग लेवल्स, जिसमें निफ्टी का दिन का हाई है 23,110.8, ये रिकॉर्ड लेवल्स है, और क्लोजिंग आई है 22,932.45, यानी कि हायर लेवल से करीब 178 पॉइंट्स का क्रैक पड़ा, और ये लेटर हाफ में डैमेज हुआ पोस्ट 2 PM। निफ्टी बैंक आज का हाई है 49,688.85, क्लोजिंग आई है 49,281.8, 407 अंक गवा दिए हायर लेवल से। सेंसेक्स के है रिकॉर्ड लेवल्स आज 76,009.68, क्लोजिंग आई है 75,390.5, यानी कि 619 अंक निकल लिए हायर लेवल से, और ये 2 बजे के बाद हुआ डैमेज और वोलेटिलिटी। इंडिया विक्स खुद बहुत वोलेटाइल हो गया है, आज के दिन का हाई है 26.2 और लो है 18.44। आप समझ सकते हैं कितनी वोलेटिलिटी मार्केट पे है। क्लोजिंग आई है 23.19, लगभग 7% उछला है इंडिया विक्स। एडवांसेस हैं निफ्टी के 21 गिरने वाले हैं, 29 जो तेज हुआ वो था डिविस लैब्स, नतीजों का इम्पैक्ट था, शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, उसके बाद एक दायरे में फंस गया, 3% चढ़ा है कुल मिलाकर आज। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, LTIM, ये स्टॉक्स तेज हुए। अदानी पोर्ट्स सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है, विप्रो को बाहर निकाला जाएगा सेंसेक्स से और अदानी पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा 24 जून को। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस आज 2.5% टूटा, विप्रो 2% से ज्यादा टूटा, ग्रासिम 2% नीचे आया, SBI लाइफ और ONGC 0.25% से 2% हल्के हो गए। FNO गेनर्स में आज सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन आया ग्लेनमार्क में, और जो भी खरीदारी हो रही थी शुरुआती एक घंटे में हो गई। वैसे दिन की ऊंचाइयां छूती छूती हुआ है बंद, लेकिन शुरुआती एक घंटा बहुत जबरदस्त बीता इस स्टॉक के लिए, 8% चढ़ गया ये स्टॉक। अशोक लेलैंड 7.5% ऊपर और जोरदार खरीदारी दिन भर देखी। इसके अलावा जुबिलेंट फूड 5% चढ़ा है, परसिस्टेंट 5% चढ़ता हुआ नजर आया, और REC लिमिटेड भी 4.5% चढ़ा। FNO लूजर्स में सन टीवी 4.25% नीचे, अरबिंदो फार्मा 3% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा मन्नापुरम और विप्रो 2.5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में ZFCV इंडिया 20% अपर सर्किट लॉक, फिनोलेक्स केबल्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में धमाका मचाया हुआ है इसने स्टॉक मार्केट में, आज भी 13.5% उछला है। आज सरकारी बैंक का नंबर आ गया और उसमें सबसे तेज चल गया इंडियन ओवरसीज बैंक, 11.5% ऊपर। एस्ट्रा माइक्रो का स्टॉक आज करीब 10% उछला, नजारा 9.5% ऊपर, JPM ऑटो 8% ऊपर, जुपिटर वैगन्स 7.5% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में टेक्नो इलेक्ट्रिक 10.5% का क्रैक था, इंडो काउंट 7% से ज्यादा टूटा, वोल्टैम 6% टूटा, HCC 6% नीचे, EIH लिमिटेड 6% नीचे, PNC इंफ्रा सोम डिस्लरीज 5.5% से 5.5% टूटे हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, बहुत समय बाद हमने देखा है आज के सत्र में। PSU बैंक्स में आज बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिल रही थी, लीड कर रहा था इंडियन ओवरसीज बैंक, छोटे बैंक्स में ज्यादा एक्साइटमेंट थी आज। इंडियन ओवरसीज बैंक 11.5% ऊपर, यूको बैंक 7% से ज्यादा चढ़ा, PSB 5.5% ऊपर, सेंट्रल बैंक 4% चढ़ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। निजी क्षेत्र के बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं थी, लेकिन जो तेजी बनी उसमें था IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक 1% से 2% ऊपर, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का बाजार को सहारा था, और ये स्टॉक 0.1% से 1% चढ़ गए। IT स्टॉक्स में खरीदारी दिखी आज, डिफेंसिव प्ले हो गया मार्केट में, परसिस्टेंट 5.5% ऊपर, कोफोर्स 3% ऊपर, एम्फेसिस 2% ऊपर, LTIM, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस में हल्की खरीदारी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक में गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे तेज चला है, 3.5%, शोभा 2% ऊपर, सनटेक, लोधा, ब्रिगेड में खरीदारी देखने को मिली।
फार्मा स्टॉक में लीडरशिप तो थी ग्लेनमार्क के पास, आज 8.5% उछला। डिविस लैब्स 3% ऊपर, ग्रैंड्यूल्स 2.5% चढ़ गया, मैक्सेल 2.5% ऊपर। टॉरेंट फार्मा में भी खरीदारी थी, लेकिन जो गिरावट आई उसमें था अरबिंदो फार्मा, एलकेम और बायोकॉन, इन स्टॉक्स में करीब 2% से 3% का डेंट पड़ गया। सरकारी कंपनियों में मिलाजुला रुझान देखने को मिला, तेजी पकड़ी हुई थी पीएफसी आरईसी ने 4% से 4.5% ऊपर, एचपीसीएल भी 2% चलता हुआ नजर आया, ऑयल इंडिया भी चढ़ा है, लेकिन जो गिरे हैं वो है बीएचईएल 2% नीचे, एनएमडीसी ओएनजीसी 2% नीचे, स्टील अथॉरिटी 2% नीचे, एनटीपीसी कोल इंडिया बीईएल सब में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऑयल एंड गैस प्ले ही आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे बहुत सारे स्टॉक्स, जिसमें ओएनजीसी, कैस्ट्रॉल, जीएसपीएल, पेट्रोनेट, गेल, ये सब कंपनियां प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही थी, और रिलायंस इंडस्ट्री ने दबाव डाला आज मार्केट पे, और ये स्टॉक भी करीब करीब 1% नीचे आ गया। मेटल्स में आज जोश कम दिखाई दे रहा था, हिंदुस्तान जिंक जो पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ भागा आज प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स ने कर डाली, 5% नीचे आ गया। इसके अलावा एपीएल अपोलो 2% नीचे, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद कॉपर सब में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन जो चढ़े हैं वो है जेएसएल, नालको, हिंडालको, टाटा स्टील। ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें अशोक लेलैंड आज सबसे तेज चला, 8% ऊपर, एक्साइड 4% ज्यादा चढ़ गया, मदरसन 2.5% ऊपर, बॉश 2.5% चढ़ा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में और बजाज ऑटो में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन जो गिरे हैं वो है आयशर मोटर्स, एमएनएम और अपोलो टायर्स। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ आज बंद हो गया, कुल 108 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, प्राइस बैंड 364 से 383 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था, इशू साइज था 598.93 करोड़ रुपीज, सक्सेसफुल रहा इशू। अब आगे क्या होगा देखिए, बहुत समय बाद आज अंतिम चरण में एकदम से जो बिकवाली आई ना, तो ट्रेडर्स जो तेजी बना के बैठे थे या तो स्टॉप लॉस हिट कर गए, या फिर जो सुबह के सौदे थे उनमें से एग्जिट नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी दिखाई दे रही थी स्क्रीन पे, एकदम से धड़धड़ करते टूटते चले जा रहे थे। बैंक निफ्टी बहुत तेज था आज, एकदम से बहुत ओवरशूट होता चला जा रहा था, 3 दिन से लगातार हम देख रहे थे वन वे ट्रैक पे भागते जा रहे हैं। आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिली, पॉजिटिव क्लोज आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन स्क्रीन पे विजिबल था कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव बन गया है। बहुत समय बाद एकदम से कॉल राइटर्स की हिम्मत बनी और उन्होंने कॉल बेचने की कोशिश की, एक बार चले गए तो गए थे हम 23,100 के लेवल पे, लेकिन टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया इस लेवल पे, तो बाजार के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस फिलहाल हम कह सकते हैं कि 23,150-23,130 का बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच भी तो आ चुका है। आप सोचो कि 1,100 पॉइंट्स की आप रैली के बाद ये देख रहे हो प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है इस समय मार्केट पे, तो थोड़ा कॉशियस रहने वाली बात ही है। ये है ही हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मासिक एक्सपायरी है, मई मंथ की वायदा एक्सपायरी इस महीने है, और आप वोलेटिलिटी देखो तो 23 से 26 के विक्स पे बड़ी पोजीशंस हैंडल करना कितना मुश्किल है, इंट्राडे में तो संभल नहीं रही पोजीशंस, तो ओवरनाइट अगर कैरी कर ली तो कितना बड़ा रिस्क इससे में मार्केट पे है पोजीशंस पे, तो बड़ी पोजीशंस कोई भी कैरी नहीं करेगा, करेगा तो हेज करके करेगा। सबको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने लाइंड अप है, दैट इज इलेक्शन रिजल्ट्स, 7वें चरण की वोटिंग अभी होनी बाकी है, उसके बाद जीडीपी के जो आंकड़े आने वो अलग, तो ये सब बड़े इवेंट्स है, इससे पहले कोई बड़ी पोजीशंस बनानी वैसे भी समझदारी है नहीं, और बाजार आपको 2 ट्रेडिंग सेशन से साफ इंडिकेशन दे रहा है, 2 ट्रेडिंग सेशंस लाल निशान में देख लिए, छोटे छोटे नेगेटिव हैं, ऊपरी स्तरों पर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन सरेंडर अभी तक नहीं किया, ओवरनाइट पोजीशंस थोड़ा कम रखें, ट्रेंड अभी साइडवेज हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तेजी पकड़ते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से लाइंड अप हैं, जिसमें 30 मई गुरुवार को यूएस में क्वार्टर वन जीडीपी का दूसरा अनुमान जारी होगा, 31 मई शुक्रवार को भारत के क्वार्टर फोर जीडीपी आंकड़े आने हैं, 1 जून शनिवार को लोकसभा चुनाव का 7वां चरण है, 1 जून की तारीख तो वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाम को एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, उसकी तैयारी हम कर रहे होंगे। अब इस बीच में निफ्टी का पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देते हैं वो 23,050 से 23,130 का दिखाई देते हैं, नीचे सपोर्ट, अब थोड़ा अगर करेक्शन आए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास आए तभी खरीदे मार्केट को, 22,820-22,740 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकते हैं लेवल्स, और बैंक निफ्टी पर रिलेटिवली स्ट्रेंथ अभी ज्यादा दिखाई दे रही है, ये जो रैली बनी ना पीछे, ये बैंक निफ्टी के बलबूते बनी, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स नहीं हासिल करे हैं, निफ्टी और सेंसेक्स ने हासिल कर लिए हैं, तो देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी इलेक्शन रिजल्ट से पहले 50,000 का आंकड़ा छूटा है कि नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से 49,600-49,800 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और लोअर लेवल्स पे 49,050-48,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। मिला जुला बाजार रहेगा, बिखरा बिखरा बाजार रहेगा, जैसे आपने आतिशी पारी देखी है पिछले कुछ दिनों में, मिड कैप्स की धुआंधार चाल देखी है लार्ज कैप्स की, अब सब कॉशियस होंगे इन लेवल्स पे, तो पोजिशन साइजेस कम रखें, गिरावट पे सपोर्ट जोन के आसपास ही कोई पोजिशन बनानी है तो बना सकते। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। मिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।